अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, कैसे से हैं? आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और उनको हम लोग वाघा बॉर्डर लेकर जा रहे हैं। तो वाघा बॉर्डर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वाघा बॉर्डर पे कैसे परेड होती है, क्या होता है, एंट्रेंस क्या है, टिकट क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। ये रोड जी वाघा बॉर्डर की तरफ जा रही है, तो अभी हम बस बॉर्डर के करीब ही हैं क्योंकि 5:30 बजे परेड होनी है, तो उससे पहले पहले हम लोगों को पहुँचना है वहाँ पर। इधर देखें गाँव है, साइड पे भी गाँव है, और उसके बाद आगे इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है और पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर आगे जो है ना आप लोगों को नजर आएगा, जाके वहाँ पे दिखाते हैं। वालेकुम जी, आज हम वाघा बॉर्डर पे आए हैं। ये मुराद है, मुराद मेरी फूफो का बेटा है, आज आया था मेरे पास। मैंने कहा चलो तुम्हें वाघा बॉर्डर लेकर आता हूँ। मुराद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और आज हम फैमिली के साथ छुट्टी मनाने आए हैं। वेरी गुड। तो हमने कहा कि हमारा एक सिम्बॉलिक मूवमेंट होता है जो वाघा बॉर्डर पे एक्टिविटी होती है, तो आज हम वो भी साथ साथ कवर करेंगे, साथ हम खुद भी एंजॉय करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, मैं बकाई फैमिली से भी मिलाता हूँ आप लोगों को। ये इधर देखें जी, ओ ये जी मेरी बेगम है और साथ भाभी हैं और साथ बच्चे हैं, छोटी खिरत और मूसा साथ है, बिल्कुल अगोश फातमा नज़र नहीं आ रही। तो हम लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं उस साइड से। तो ये सामने वाघा बॉर्डर नज़र आ रहा है, बिल्कुल वो इंडिया के लोग बैठे हैं सामने। तो जी हम लोग आकर वान के साथ बैठ गए हैं, सामने मुराद बैठा है, मोहम्मद इब्राहिम है, किरत है, मेरी बेटी है साथ, बेगम भाभी, और ये मूसा आ गया और मुस्तफ़ा साथ बैठा हुआ है, और ये हम लोग के सामने हैं। ये परेड एरिया है मेन, जहाँ पर परेड अभी शुरू होगी, और अभी जो है हमारा जो है हमें जोश दिला रहे हैं लोग, और जो है यहाँ पे नारे चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है। सामने बिल्कुल आप लोगों को इंडिया नज़र आ रहा होगा, इंडिया के लोग बैठे हैं सब, और सब जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही परेड शुरू हो तो हम लोग नारे लगाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का काफ़ी रश है, मेरी फैमिली भी काफ़ी इंजॉय कर रही है, देख रहे हैं आपस में बातें कर रहे हैं कि जी वो तो अभी चीज़ शुरू होती है परेड, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी परेड की दिखाते हैं। अच्छा जी, तो व्यूवर्स आपको सामने पवेलियन दिखाता हूँ, ये इंडिया का पवेलियन है, काफ़ी वहाँ पर लोग आए हुए हैं, काफ़ी हजूम है लोगों का। गांधी साहब की तस्वीर लगी हुई है साथ, और इंडिया ऊपर लिखा हुआ है, साथ हिंदी में इंडिया लिखा हुआ है। सामने दो गेट हैं जहाँ पे बॉर्डर है, बीच में जीरो लाइन है। ये जी पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और साथ कायदे आज़म की तस्वीर है। ये जो है ये सारा एरिया जो है जेंट्स एरिया है, और सामने फिर इंडियन पवेलियन है मेन, गांधी साहब की तस्वीर के साथ। यहाँ पर हिंदू सिख सारे बैठे होंगे जी। परेड शुरू हो गई है, तो अब हम लोग परेड देखते हैं और आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं परेड के अंदर क्या क्या होता है। जी परेड की स्टार्टिंग में जिस तरह आप आवाज़ सुन सकते हैं कि इस साइड से भी पाकिस्तान बॉर्डर के साइड से भी और इंडियन साइड से भी फौजी जो हैं सामने खड़े हैं, 5-5 फौजी एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, जोश दिलाते हैं और बताते हैं कि जी हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं यहाँ पर। ले जी व्यूवर्स, अब हमारे जो फौजी हैं वो नीचे जो है परेड ग्राउंड में जा रहे हैं परेड के लिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी आर्मी जवान हैं, और बड़े ही हर वक्त तैयार हैं लड़ने के लिए, अपनी जान देने के लिए हमारे मुल्क के लिए। तो ये भी ढोल वाले भी शुरू हो गए हैं जी, तो अब स्टार्टिंग है और देखते हैं कि आगे कितना जोश जो है वो आवाम को जो है हमारी फौज दिलाती है। तो ये प्रॉपर आगाज़ हो गया है परेड का। सबसे पहले हमारे दो रेंजर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे फौजी जवान जो रेंजर्स हैं वो सामने जाके खड़े हो गए हैं। नारेबाजी खूब हो रही है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है, लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेड को।
आपकी सेकंड पे हमारी लेडीज़ आर्मी जवान जो आगे बढ़ रही हैं बहुत ही जोश से, और माशाल्लाह हमारी लेडीज़ जो हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं मुल्क की, वो भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी हर वक्त बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। माशाल्लाह जी, अब हमारे बॉर्डर्स के फौजी रेंजर्स, आप देखें किस जोश से, जज्बे से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और परेड कर रहे हैं और इंडिया को बता रहे हैं कि हम आप लोगों के सामने खड़े तैयार हैं शेरों की तरह। तो जी, साथ साथ ढोल बज रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और क्या बात है जी, बहुत ही जवान और ज़बरदस्त और ताकत में हमारे फौजी हैं और जोश में हैं जी, और हम लोगों को भी ये जोश दिला रहे हैं। और अल्लाहु अकबर के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो साथ साथ बज रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ नारे लगा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखे नारे लगा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सामने फौजी भी देख रहे हैं। वो इस वक्त वहाँ कह रही है कैमरे की तरफ देखो, लेकिन वो इतना इंजॉय कर रहे हैं। तो जी व्यूवर्स, अब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए हैं, अब इसके बाद झंडा कुशाई होगी, हम अपने फ्लैग को और इंडिया अपने फ्लैग को जो है उतारेगा। शाम के टाइम फ्लैग उतरते हैं, रात सारी उतरे रहते हैं, सुबह को जो है वो दोबारा फ्लैग्स को अप किया जाता है। कुछ बात में बैठ जाओ। बस ये जी, अब झंडे की रस्सियाँ खुल गई हैं और पहले हमारे फौजी ने खोली है, तो अब ये जो है कुछ देर बाद जो है अब झंडे आहिस्ता आहिस्ता नीचे करेंगे, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि जी जब झंडे उतर रहे होते हैं तो जो सायरन ये लोग बजा रहे होते हैं और जिस तरह उतार रहे होते हैं झंडे को और जिस तरह पैक करके लेकर जाते हैं, वो भी सब आपको आगे दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स, अब जो झंडे हैं वो दोनों उतरना शुरू हो गए हैं नीचे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों झंडे नीचे आ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का, और साथ साथ जो है सायरन बज रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत वक्त है जिसमें जो है हमारे झंडे नीचे आ रहे हैं, और ये उसके बाद जो है फौजी जो है वो इसको बहुत ही प्यार मोहब्बत और एहतराम से इनको जो है फोल्ड करेंगे। और ये जी, अब जो झंडा है पाकिस्तान का वो हमारे फौजी जवानों के हाथ में आ गया है, और आप देखें कि कितने खूबसूरत तरीके से इसको फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके, और बहुत ही एहतराम से हमारे रेंजर्स, हमारी जो है लेडीज़ आर्मी और साथ हमारे जो फौजी जवान हैं वो इसको, हमारे फ्लैग को बहुत ही इज्जत से और एहतराम से जो है वो पवेलियन में लेकर जा रहे हैं। तो जी व्यूवर्स, अब गेट बंद करने का टाइम आ गया है, ये लास्ट मोमेंट है परेड का, और अब परेड करके तो जो है ये दोनों गेट जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के क्लोज़ किए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है हमारी जो परेड है
उसको भी क्लोज किया जाएगा। तो आज का जो इवेंट रहा वो बहुत मज़ेदार रहा, बड़ा मज़ा आया सबको देख के, बड़ा इन्जॉय किया। और इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे और आप लोगों को मज़ीद पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका दिखाएंगे। ले जी अब गेट बंद हो गए हैं। मज़ा आया सबको मज़ा आया मुराद, तो फिर एक नारा लगा दो पाकिस्तान जिंदाबाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली फ़ोटो तो बनती है, तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।